तो ये ब्लॉग शुरू होता है घर से, पर हम इतने एक्साइटेड थे कि हम घर में ब्लॉग बनाना, वीडियो शूट करना तो भूल ही गए। तो ये ब्लॉग स्टार्ट होता है ऑटो से। हम ऑटो में बैठकर जा रहे थे मधुपुर रेलवे स्टेशन, और फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे टाइम पे। और ये है मधुपुर का फ्रंट से रेलवे स्टेशन। हम आए थे इधर, सोचे इम्तियाज भाई को भी ले लें। अरे बोले हेलो हाय। और ये हमारे साथ भी जा रहे हैं, हम लोग अकेले में तीन लड़के जा रहे हैं। तो ये इम्तियाज भाई को यहाँ से हम लोग इसको भी उठाए हैं, और हम लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं ट्रिप में। ट्रेन खुल चुकी थी, हम लोग बैठ चुके थे, और खाना भी हम लोग स्टार्ट कर दिए। हम लोग जा रहे थे बाबा वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस से। अभी बज रहे थे तीन, तो भूख लग गया था, तो सोचे खाना खा ही लेते हैं। तो शाम 4:30 बजे पटना हम लोग पहुँच चुके थे। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आरा जंक्शन। आरा जंक्शन मौज कर रहे हैं हमारे हैवी ड्राइवर। हाँ, बहुत मौज कर दिए, इतना मौज कर दिए कि अब सोना जा रहा, थक गए हैं। शाम को कितना बज रहा टाइम? 5 बजे। उल्फत भाई इतना थक चुके थे कि वो बिना वॉच ऑन करे ही टाइम बता रहे थे। रियल टाइम तो 6:10 था। कुछ भी कुछ भी लगता है कि यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड जो है वो सोया हुआ है। सोया हुआ है वो देखा। दोनों भाई के बीच इम्पोर्टेंट मसले पे बात हो रहा है, क्या करना है। अभी मुगलसराय स्टेशन पे हम लोग हैं, और स्टेशन के पास हम लोग खड़े हुए हैं अभी। तो हम लोग मुगल सराय पहुंच चुके थे, अब हम डायरेक्ट देखते हैं दिल्ली का सीन। 2000 years later सारे बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं अभी आनंद विहार टर्मिनल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। अभी हम जा रहे हैं सीलमपुर, और वहाँ पे हम रूम लेके वहीं पे हम अपने सामान जो थे वो रख देंगे, और जो हम लाने के लिए इम्पोर्टेंट है सामान वही लेके जाएंगे। तो आगे देखें। हमारे पास बहुत टाइम था क्योंकि बस हमारी जो थी वो 8 बजे रात को थी। तो अभी हमें जो ज़रूरत का सामान लेना था मनाली के लिए, वो हम CP और पालिका बाज़ार से ख़रीद लेते। यहाँ से रूम तक का जो सीन्स वीडियो था वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया है। टाइम हो रहा था 1 PM और हम लोग जा रहे थे सीलमपुर मार्केट कुछ लेने। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? पार्क में एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे थे, और थकावट मुझे हो रही थी। और तो गन्ने का जूस है ही, गन्ने का जूस पिए, उसके बाद हम लोग CP निकले। तो भैया हम आए थे मेट्रो पढ़ के निकलेंगे राजीव चौक, और CP जाएंगे, और वहाँ से कुछ बूट्स लेंगे और कुछ कपड़े बनाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं CP कैनॉट प्लेस, कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए सोचा कि अभी कर लूँ जाके।
अगला स्टेशन राजीव चौक, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं सीपी और ये है सामने पालिका बाजार। हम आए थे इधर सीपी और सोचे कि कुछ शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन भैया जी के इधर गायब हो गए और शॉपिंग की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि हम लोग मनाली जाने वाले हैं तो शॉपिंग तो बनता ही है। और प्लस में जो माइक लाए थे उसका हमारे पास केबल नहीं है, इसलिए हमको ऑक्स कॉल भी लेना पड़ेगा, TRRS केबल। मैं कहानी बताता हूँ अभी क्या हुआ मेरे साथ। अभी हम फोटो शूट कर रहे थे वहाँ पे पीछे और वहाँ पे पुलिस अंकल खड़े थे और मैंने मास्क उतार लिया था, हमको पता नहीं था, तो भाई हमको बुलाने लगे, मैंने सोचा कि मेरा और वो लोग का कैमरा भी ऑन था। खैर किसी तरह बच्चे हैं है ना, लेकिन वार्निंग मिला है कि मास्क अगर उतारोगे तो कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा। अच्छा सऊदी लूँगा क्योंकि मनाली में ठंड तो बहुत है ना, तो जिन में हुडी ही चलेगा, जैकेट उतना खास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक हुडी है और एक हुडी ले लेता हूँ, एक या दो हुडी ले लेता हूँ, फिर बूट लेना है हमको। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। सब ले लो, सब तुम लोग सब पूरा। हो रहा है भैया बारिश, चलते हैं हम लोग पालिका बाजार। भाई जितना शॉपिंग बाकी रहा था वो हमने कर लिया, अब वापस हम चल रहे हैं हम लोग सीलमपुर, वहाँ से पैकिंग करेंगे, फिर वहाँ से बस और निकलेंगे मनाली नेक्स्ट।